सबसे पहले दोस्तों हमें एक पीवीसी शीट कट करना है। ये दोस्तों आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मैंने इतना किया कि इसके अंदर दोस्तों जितना भी सामान मैं यूज करूँगा वो फिट हो जाए, जैसे कि ऑडियो मॉड्यूल और चार्जिंग मॉड्यूल, ब्लूटूथ मॉड्यूल और एक छोटा सा स्विच दोस्तों, एक बैटरी। ये दोस्तों मैं रियलमी का जो निक बैंड होता है उससे निकाला हूँ दोस्तों, और ये बैटरी इससे निकल ही नहीं रहा था तो मैंने सोचा इसे लगा देता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से लगेगी दोस्तों। और चार्जिंग मॉड्यूल मैं सोच रहा हूँ यहाँ लगाने का, और ऑडियो मॉड्यूल कुछ इस तरह से यहाँ लग जाएगा दोस्तों, और ब्लूटूथ मॉड्यूल कुछ इस तरह से यहाँ लग गया, और स्विच कुछ इस तरह से यहाँ पर लगेगा दोस्तों। तो कुछ इस तरह से रहेगा दोस्तों, तो जल्दी से कर लेते हैं। पहले दोस्तों ब्लूटूथ मॉड्यूल और एम्पलीफायर मॉड्यूल में कनेक्शन कर देना है, जल्दी से कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों कुछ इस टाइप से आपको कर लेना है, तो उसके बाद दोस्तों वायर जोड़ना है। जल्दी से मैं जोड़ लेता हूँ। दोस्तों बिल्कुल ही सिंपल कनेक्शन है, आप इजीली कर लोगे दोस्तों। बस सीधे सीधे में लगा देना है, वैसे दोस्तों कनेक्शन आपको कर लेना है। तो उसके बाद डबल साइज सेलो टेप को पीवीसी पाइप पे चिपका देना है कुछ इस टाइप से दोस्तों आपको। बाद दोस्तों ऑडियो मॉड्यूल को चिपका देना है कुछ इस टाइप से, और दोस्तों देख के चिपकाना है कि ये बिल्कुल ही यहाँ पर हम जब पीवीसी शीट लगाएंगे तो ये दर्ज नहीं होना चाहिए दोस्तों। कुछ इस टाइप से आपको देख के चिपकाना है, थोड़ा अंदर चिपकाना है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों ब्लूटूथ मॉड्यूल को यहाँ पर कुछ इस टाइप से चिपका देंगे हम। तो जल्दी से चिपका लेते हैं। दोस्तों मैंने फिर से इसको किया है बिकॉज मेरा जो ब्लूटूथ था वो ख़राब हो चुका था दोस्तों। मेरे माइंड में आया कि मैं चेक कर लेता हूँ एक बार ठीक है या नहीं, तो दोस्तों ख़राब थी। अगर मैं पूरा बना देता तो चेक करता तो वो ख़राब होती, तो मुझे पूरा तोड़ के फिर से बनाना पड़ता। तो इसीलिए दोस्तों आपको भी चेक कर लेना है। ब्लूटूथ और एम्पलीफायर में कनेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको चेक कर देना है कि अच्छे तरीके से वर्क कर रही है या नहीं। तो मैंने दोस्तों ब्लूटूथ को ऐसे ही रखा है। उसके बाद दोस्तों चार्जिंग मॉड्यूल में कनेक्शन कर लेना है, जल्दी से कर लेते हैं। तो दोस्तों उसके बाद मैंने यहाँ पर बैटरी को चिपका दिया है, और बैटरी में वायर दोस्तों बड़ा लगा दिया है। तो इसको दोस्तों हमें दोस्तों बी प्लस में बी प्लस को कनेक्ट कर देना है, और बी माइनस में बी माइनस को कनेक्ट करना है, जल्दी से कर लेते हैं। मैंने चारों स्पीकर को जो है उसको दो दो डिवाइड कर दिया, दो दो भाग में दोस्तों, दो को एक साथ सोल्डरिंग कर दिया है और दो को एक साथ दोस्तों। तो यहाँ पर दो चैनल है दोस्तों ऑडियो मॉड्यूल में, तो यहाँ पर हमें कनेक्ट कर देना है, तो जल्दी से कर लेते हैं। तो दोस्तों फिर से मेरा पॉपअप हो चुका है, जो मैंने बैटरी लगाया था दोस्तों ख़राब था। तो दोस्तों वो बैटरी ख़राब था, तो मैं क्या सोच रहा हूँ, ये ब्लूटूथ रहेगा और चार्जिंग मॉड्यूल में नहीं लगा के इस टाइप का एक सॉकेट लगा दूंगा दोस्तों बाहर साइड से। दोस्तों अगर आपके पास बैटरी है तो लगा सकते हो, मेरा तो दोस्तों ख़राब निकला। मैंने सोचा ठीक है लगा देते हैं, लेकिन ख़राब निकला। तो कुछ न्यू आइडिया है तो इसीलिए मैं दोस्तों बना दे रहा हूँ, नहीं तो मेरा मन भी नहीं कर रहा है आप बनाने का। पहले तो ब्लूटूथ मॉड्यूल ख़राब निकला, उसके बाद दोस्तों बैटरी ख़राब निकला, तो मन नहीं करता है दोस्तों इसे में बनाने का। फिर भी मैं दोस्तों नए हुआ आइडिया है कुछ मेरे माइंड में कब से था, तो मैं सोच रहा हूँ बना ही देता हूँ, तो जल्दी से बना लेते हैं। मैंने यहाँ पर मार्क लगा दिया प्लस माइनस, तो इसी टाइप से दोस्तों कनेक्शन कर देना है कि बाहर साइड से भी हमें पता चल सके कौन से और कौन सा माइनस। तो दोस्तों इसे कुछ इस टाइप से यहाँ पर हमें चिपका देना है, तो जल्दी से चिपका लेते हैं। दोस्तों इसका साइड का पीस को चिपका लेना है, जल्दी से चिपका लेते हैं। सबसे दोस्तों मैंने ये भी लगा दिया है, तो उसके बाद दोस्तों इसका ऊपर वाला कैप को लगा देना है, जल्दी से लगा लेते हैं। इसके ऊपर में दोस्तों ये वाला पीस को मैं नहीं लगाऊंगा, इसी को लगा दूंगा डायरेक्ट दोस्तों, तो जल्दी से लगा लेते हैं। तो इसका जो एक्स्ट्रा पीस है इसे मैं दोस्तों हमें कट कर देना है, तो जल्दी से कर लेते हैं। और उसके बाद
दोस्तों इसको अच्छे से फिनिशिंग कर देना है। तो देख सकते हैं दोस्तों मैंने फिनिशिंग अच्छे से कर दिया है, तो देखने में कुछ इस टाइप से लग रहा है। अब इसे टेस्ट कर लेते हैं। दोस्तों इसका पावर ऑन करने के लिए हमें भी नहीं करना है, बस इसका नट जो है उसे थोड़ा ढीला कर देना है। मैंने पॉइंट लगा दिया था कौन सा प्लस है और कौन सा माइनस, तो यहाँ पर हमें कनेक्ट कर देना है। तो प्लस में प्लस को लगाना है दोस्तों और उसको टाइट कर देना है। लगाओगे ये दोस्तों ऑन हो जाएगा। कहते हैं कनेक्ट हो चुका है यहाँ पर। तो मैं कोई सा भी आपको सॉन्ग एक प्ले करके दिखा रहा हूँ। NCS चलाऊंगा दोस्तों, नहीं तो कॉपीराइट का इशू आ सकता है। शायद आपको साउंड सुनाई दे रही होगी दोस्तों, चार है ना इसीलिए बेसी साउंड कर रही है। पास करके मैं दिखा देता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों इसमें साउंड आ रही है और इसमें देख सकते हैं। साउंड अच्छे तरीके से आ रही है दोस्तों, आपको कम साउंड में सुनना है नहीं तो आपका कान जो है ना फट जाएगा, इतना साउंड है। तो इसलिए दोस्तों आपको कम साउंड में ही सुनना है। तो इससे होगा कि अगर आप दो जने देख रहे हैं तो बीच में ये दोस्तों जो इसका मॉड्यूल है ये रहेगा और इधर एक आदमी लगाएगा और एक आदमी इधर से भी लगा सकता है। तो इसी का यही काम है दोस्तों कि दो आदमी आप एक साथ सुन सकते हो इसमें। तो ये वीडियो को लाइक कर देना और लगे हाथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।